टॉप 10 टालेस्ट बिल्डिंग इन दी पाकिस्तान। जी हाँ, धचका लगा। की बात कर रहा हूँ इसलिए आपने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें आपको कहा गया कि दुबई की सबसे बड़ी इमारतें दुनिया में मौजूद बड़ी इमारतें, लेकिन आज की जिस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पाकिस्तान की टॉप 10 टालेस्ट बिल्डिंग। जी हाँ, पाकिस्तान हर शोबे में रोज बरोज तरक्की कर रहा है, चाहे वो IT हो, रियल एस्टेट की तरक्की हो या फिर सनत की तरक्की। शहरों में जदीद तर्ज तमीर न सिर्फ रिहायशियों बल्कि सियाहों के लिए भी सहर अंगेज है। सियाह न सिर्फ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सैर को तरजीह देते हैं बल्कि फलक बोस इमारतों वाले शहरों की सैर में भी इतनी ही दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान में कई ऊंची इमारतें हैं, उनमें हबीब बैंक प्लाजा सबसे पहली फलक बोस इमारत थी। ये इमारत कराची में 1963 में तमीर हुई थी। इस वक्त से पाकिस्तान में बुलंदोबाला इमारतों का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान में मुतअद्दिद टावर्स हैं जिनकी ऊंचाई कम अज कम 100 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा है। मजीद ये कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें बुलंदोबाला इमारतों का खासा तनासुब है। इसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी लाइन्स में आते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत के बारे में मजीद जानने को ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाकिया 10 बुलंद तरीन इमारतों के बारे में जानने के लिए परजोश हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाजमी देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। पाकिस्तान में सरफरिस्त 10 बुलंद तरीन इमारतें, आइए स्काई स्क्रैपर की इमारतों पर एक नजर डालते हैं जिनमें शहर के नाम, ऊंचाई और मंजिलों की तादाद वगैरह शामिल है। पहले नंबर पर बहीरा आइकॉन। बहीरा आइकॉन टावर पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है। फलक बोस इमारत कराची सिंध में बहीरा अरब के साहिल के करीब वाकिया है। कम्प्लेक्स में कारपोरेट दफातर और अपार्टमेंट का 62 मंजिला टावर शामिल है। नेज इसमें 42 मंजिला मखलूत इस्तेमाल की इमारतें हैं। मजीद ये के दोनों टावर पर बैन अलाकवामी मियार का शॉपिंग मॉल चल रहा है। बहीरा आइकॉन टावर के मालिक मलिक रियाज हैं जो पाकिस्तान के मशहूर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आइकॉन है। दूसरे नंबर पर चीपल स्काई मार्ग। ये बुलंदो बाला इमारत भी कराची में वाकिया है। चीपल स्काई मार्ग पाकिस्तान की सबसे दियोकामत रिहायशी इमारत है जो 50 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस टावर की तमीर का मकसद सबसे बड़ी तमीराती सलाहियतों को हासिल करना है। डेवलपर की तवज्जो रिहायशियों को आला मियारी पुरतईश तर्ज जिंदगी फराम करना है। 1 से ज्यादा मंजिलें पार्किंग के लिए वक्फ हैं जो कि बेहतरीन है क्योंकि लोगों की बुनियादी तशवीश हमेशा इनकी गाड़ी की होती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मालियाती असासा है। इमारत PIDC कराची के करीब वाकया है। ये एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है जो कराची के बहुत से मशहूर इलाकों के करीब है। ये बहुत से सरमाए कारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बुनियादी वजह है। ताहम ढांचा अभी भी जेरे तमीर है। तीसरे नंबर पर बख्त टावर। बख्त टावर मखलूत इस्तेमाल की इमारत है जिसका मतलब यह है कि इसमें तजारती और रिहायशी दोनों जायदादें हैं। इमारत का डिजाइन काफी जमालियाती है और ये 33 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ये फलक बोस इमारत भी कराची में वाकिया है जो क्लिफ्टन के इलाके में समंदर की तरफ वाकिया है। इमारत की तमीर 2015 में मुकम्मल हुई थी। आज ये इमारत मुतअद्दिद कारपोरेट फर्मों और यहाँ तक खानदानों का घर है। चौथे नंबर पर ओशियन टावर। ओशियन टावर एक शानदार और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारतों में से एक क्लिफ्टन और 2 तलवारों की अहम मकाम पर वाकिया है। इमारत इतनी ऊंची है कि दूर से लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है। ये टावर कमर्शियल प्रॉपर्टी के जमरे में आता है और इसमें सिनेमा, दफातर, यहाँ तक कि एक शॉपिंग मॉल भी है। मनसूबा 2000 की दहाई में अरबों की सरमायाकारी से शुरू हुआ और साल 2021 में खत्म हो गया। इमारत में 20 मंजिलें हैं। नेज ओशियन टावर खुद बिजली पैदा करते हैं क्योंकि इसके पास एक पावर हाउस है जिसमें 5 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमारत में एक हाई टेक सिस्टम है जो इमारत के आसपास पैदा होने वाले धुएं और गर्मी की तादाद पर नजर रखता है। 5वें नंबर पर मेगा G4 टावर। मेगा G4 टावर तजारती दफातर के लिए मशहूर पाकिस्तान की एक और बड़ी इमारत कराची में वाकिया है। इस बात का इम्कान है कि बहुत से लोग इस इमारत को नाम पढ़ने के बाद पहचानने में नाकाम रहते हैं कि इमारत के साख से तकरीबन सभी वाकिफ है। ये इमारत 3 तलवार के करीब वाकई है जो क्लिफ्टन के मशहूर मकामात में से एक है और इसकी 27 मंजिलें हैं। बहुत बड़ा HBL लोगो इमारत पर दूर से भी देखा जा सकता है क्योंकि टावर में बैंक का इलाकाई हेड ऑफिस है। यही वजह है कि इमारत को
HBL मेगा कारपोरेट टावर के नाम से भी जाना जाता है। छठे नंबर पर नियन टावर्स। डोलियन टावर्स एक ऐसा मंसूबा है जिसमें तजारती और रिहायशी दोनों शोबे हैं। ये इमारत भी पाकिस्तान के सबसे बड़े टावर्स में से एक के जमरे में आती है। डोलियन माल में दो टावर्स हैं, टावर ए और टावर बी। दोनों की ऊंचाई यकसा है और मंजिलों की एक ही तादाद जो कि 40 है। जो चीज इस टावर को लोगों की पसंदीदा बनाती है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा मुतअद्दिद पार्किंग फ्लोर्स हैं। माल कराची के साहिल के करीब है जो तजारती सरगर्मियों के लिए अहम मकाम है। सातवें नंबर पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पुरतईश अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक अमीर अफसाह प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के करीब है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इमारत जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दिल में है। खूबसूरत इमारत CDA से मंजूर शुदा है जिसमें मुतअद्दिद इमारतें और 26 मंजिलें हैं। ये प्रोजेक्ट मुनाफा बख्श सरमाएकारी के मौके फराहम करता है क्योंकि ये डी बैनुल अक्वामी मियार के मुताबिक तैयार किया गया है। आठवें नंबर पर सेंट्रोस माल। सेंट्रोस माल पाकिस्तान की कई बड़ी इमारतों में से सेंट्रोस माल इस्लामाबाद में वाकया है। इमारत का डिजाइन मुनफरिद और दिलकश है। इसमें तीन फलक बोस इमारतें हैं और सभी एक माल से मुंसलिक है। माल की 26 मंजिलें हैं। माल की तमीर 2005 में शुरू हुई और 2011 में मुकम्मल हो गई। तहम माल 2013 में शुरू हो गया। नामे नंबर पर यूकॉन टावर। जी हाँ, ये टावर ब्लू एरिया इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाकया है। टावर की 26 मंजिलें हैं। इसकी तमीर भी सेंट्रोस माल की तरह 2005 में शुरू हुई। टावर की तमीर करने वाले पाकिस्तानी टेली कम्युनिकेशन ट्रस्ट थे और इसे मशहूर फिल्म नेस्पाक ने डिजाइन किया था। 10वें नंबर पर अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी माजी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसमें तब्दीली आई। खूबसूरत बुलंदो बाला इमारत लाहौर में फैरोजपुर रोड पर वाकई है। इमारत की तमीर 2006 में शुरू हुई और 2012 में खत्म हो गई। अगरचे ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत नहीं है, तहम तकनीकी तौर पर यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT इमारत है, खास तौर पर पंजाब के लिए। टावर की 17 मंजिलें हैं और ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मलकियत है। ऊपर जेरे बैस पाकिस्तान की सबसे ऊंची 10 इमारतें हैं लेकिन इसके आसपास और बहुत सी इमारतें हैं। इसके अलावा डेवलपर ज्यादा ऊंची इमारतों की तमीर पर तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि शहरी इलाकों में ज्यादा आबादी के मसाइल से निपटने का यही वाहिद तरीका है। जी तो दोस्तों, आज की ये थी वीडियो जिस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 10 बिल्डिंग इन पाकिस्तान। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।